हेलो, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल रिव्यू पतंजलि कोरोनिल किट का। और मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके सारे जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। तो गाइस, बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, कम ऑन, बी मेंबर ऑफ माय यूट्यूब फैमिली, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दी लाइक बटन। अगर इन केस वीडियो अच्छी लग गई, इंफॉर्मेटिव लग गई, तो लाइक भी कर देना। ओके, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मैं आपको बताऊं को ये जो अपनी पतंजलि दिव्य श्वसारी कोरोनिल किट है, ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। 100% लेनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों लेनी चाहिए। टू रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है, एक जो हम लोगों को मेंटल कोरोना हो रखा है ना, एक साइकोलॉजिकल कोरोना हो रखा है, साइकोलॉजिकली वी आर ऑल्सो स्कैर्ड ऑफ कोरोना, ये हमें कुछ हद तक उससे जो है रिलीफ पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब से मैंने ये ला के रखी है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन है कि चलो, अगर हमें कोई, गॉड फॉरबिड, अगर हमें कोई सिम्टम नज़र आ भी जाता है तो समथिंग इज देयर, कुछ है, हम वो खा के ठीक हो जाएंगे। बिकॉज अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, बस सब क्लेम्स ही कर रहे हैं कि इटली ने तैयार कर ली, रशिया ने कर ली, इसने कर ली, उसने कर ली, बट ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई जो करोड़ कोविड-19 का जो मेडिसिन है नहीं आया है, एक्सेप्ट दिस वन। और यस, मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही डाल दूं, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स गोइंग टू क्योर कोरोना, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस एट ऑल। ये क्योर करता है या नहीं करता है, मैं ये गारंटी नहीं आपको दे रही हूँ। बस ये मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर के लिए बता रही हूँ कि यू मस्ट हैव इट, मस्ट मस्ट हैव इट। पहला रीजन था आपका साइकोलॉजिकली आपको हो जाएगा कि नहीं, समथिंग इज देयर, अगर कोई बुखार का, जुकाम का या कोविड जैसा कोई भी सिम्टम है तो देयर इज सम मेडिसिन, हम उसको लेके, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेके ठीक हो सकते हैं। दूसरा ये है इसका प्राइस पॉइंट, ये पूरी किट इज ओनली ₹545। अब हॉस्पिटल्स जाने से बेटर है वहां पे हजारों एंड समटाइम्स लाखों, यू नो दैट, खर्च करने से अच्छा है कि एक 545 की एक किट लेके हम घर में रख लें यार, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इसको रख लें, कोई इसमें हार्म नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको मिल जाती हैं तीन चीज़ें। अब आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत फिलॉसफी झाड़ ली। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ आती हूँ। तो अब आपको मिलेगी, अगर आप ये किट लेते हैं तो आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी ऐसे पैकेट में, ठीक है, निकाल लेते हैं बाहर। और साथ में आपको कुछ लिटरेचर मिलेगा, इस लिटरेचर में सब लिखा है कि ये कैसे तैयार की गई है, क्या क्या इसमें जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, क्या क्या आयुर्वेदिक चीज़ें डाली गई हैं, और कितने लोग कितने दिनों में ठीक हुए हैं। मोटा मोटा मैं इसमें बता दूँ, इसमें था कि कुछ लोगों पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, आई मीन ये मेडिसिन दी, तो वो पॉजिटिव थे एंड विद इन सेवन डेज दे बिकेम नेगेटिव। तो पॉजिटिव पेशेंट्स जो थे वो नेगेटिव करने की ताकत इस किट में है, ठीक है, ये लिटरेचर कहता है, मैं नहीं कह रही बाय द वे। अच्छा, तो सबसे पहला जो इनका प्रोडक्ट है वो है ये कोरोनिल टेबलेट। ये जो है इसमें 80 टेबलेट्स आपको मिलेंगी एंड इट रिटेल्स फॉर ₹400। 400 की आपको ये मिलती है। अच्छा, मैं आपको ये बताना शायद भूल गई, या तो आप किट ले लें, किट भी अवेलेबल है और आप इंडिविजुअल यूनिट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस, यू कैन गो फॉर दिस ओनली, ठीक है, ये 400 की है। बट आई रिकमेंड कि अगर आप 400 की एक यही ले रहे हैं तो 545 का पूरा किट ही ले लो, यू नो देयर इज नो हार्म। वेल, अब ये है 400 की कोरोनिल टेबलेट, इसमें 80 है। अब इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, मैं मेन मेन बताऊंगी, वो है गिलोय, अश्वगंधा एंड तुलसी, ठीक है, गिलोय, अश्वगंधा एंड तुलसी। गिलोय तो आपको पता है अपने आप में, आप अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा दैट इट्स सो हेल्पफुल इन, यू नो, बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। जब इसके साथ अश्वगंधा और तुलसी मिल जाते हैं तो ये एक पावर पैक्ड, यू नो, बन जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। तो इसमें मेन यही इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत अच्छा ये यूजफुल है एज इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है, एंड स्पेशली अगेंस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड टाइप्स ऑफ फीवर, बैक्टीरियल, वायरल। आपको बैक्टीरियल फीवर हो, वायरल फीवर हो, उसमें ये काम आती है। आपको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई इन्फेक्शन है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें काम आती है, और इम्यूनिटी बूस्टर तो ये है। तो ये आ गई हमारी पहली कोरोनिल टेबलेट, ठीक है, इसके बारे में हो गया। नंबर सेकेंड इनकी है स्वसारी वटी।
इट रिटेल्स फॉर ₹120। अब इसमें माय गॉड इतने मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें डाली है जो मैंने आज तक कभी ना सुनी ना देखी ना मुझे पता है। मुझे लग रहा है रामदेव जी मुझे एक छोटा हकीम तो बना के ही छोड़ेंगे, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें है जो मुझे अभी पता चली है। खैर इसमें तो इतना छोटा 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 लिखा है ना, अगर मैं स्क्रीनशॉट डाल भी दो ना आप पढ़ नहीं पाओगे कि इसमें है क्या। तो मैंने इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक डायरी में नोट कर लिए सो दैट मैं पढ़ पाऊँ खुल के, क्योंकि इसमें पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत छोटा छोटा लिखा है। तो मैं आपको मेन मेन बता दूँ इसमें स्वसारी वटी में है क्या क्या। इसमें है मुलेठी, कगदा सिंगी, सौंठ, छोटी पीपल, लौंग, दालचीनी, अकरकरा, अबरक भस्म, मुक्ता शुक्ति, गोधंती भस्म, कपरधक, प्रवाल पिष्टि, शपहातिका भस्म, तनकन भस्म, यू नो इतनी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक चीज़ें। मुझे मैं अभी वैसे इसकी डिटेल्ड एक रिसर्च करूँगी ये एक एक पे कि ये करती क्या है। तो ये सब मिला के जो स्वसारी वटी है ये सारी उसमें डाल के एक वटी तैयार की गई है, दैट इज स्वसारी वटी। और थर्ड आपको मिल जाएगा अनुतेल, अनुतेल इसे कहते हैं, दिस इज फॉर ₹25। और इसमें मैं आपको मेन मेन बता दूँ, इसमें है गोट मिल्क, सफ़ेद चंदन, तेज पत्ता, मुलेठी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बताने वाली हूँ, बस मैं आपको मेन मेन बताने वाली हूँ। तो इसमें ये मेन मेन चीज़ें हैं। और ये पता कैसे वर्क करता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। जैसे हम रात को सोते हैं हमारा नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, तो हम वो दूसरी जो एलोपैथी की आती है ना ऑट्रीविन एंड समथिंग लाइक दैट, वो नाक में डालते हैं कि हमारा मतलब ये नाक खुल जाए। तो उसी तरह से ये काम करता है, ये ऑयल की फॉर्म में है और इसमें भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, नो केमिकल्स एट ऑल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग डूइंग, इट्स प्योरली एन ऑयल। आपने क्या करना है इसके दो दो तीन तीन ड्रॉप्स डाल के, एंड वही जैसे हम वो मेडिसिन के साथ करते हैं इसको भी हमने ऊपर खींचना है, बट ये थोड़ा सा गले में लगता है जैसे और मेडिसिंस भी लगती है। जब भी हम नाक में कुछ डालते हैं ना थोड़ा ऊपर ही इसको रखना, हल्का सा लगेगा फिर ठीक हो जाता है। मैंने ये सब यूज़ कर लिया है खैर, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मैं भी ले रही हूँ, फैमिली को भी दे रही हूँ। और सच बताऊँ तो अगर हमें थोड़ा सा बुखार हो भी जाता है ना तो बस होता है कहीं ये वो तो नहीं, आई मीन कोरोना तो नहीं, तो फटाफट हम ये जो किट है ये स्टार्ट कर देते हैं। बिलीव मी और नॉट, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये जो अनुतेल है इसको हमने, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा ही दिया कि ये क्या काम करता है, आपका नाक खोलता है, सांस लेने में प्रॉब्लम है वो क्लियर करता है आपके सारा अंदर का, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि गो फॉर फुल किट यार, एक लेने का मुझे नहीं लगता कि आपको आपको फिर भी रहेगा यार वो भी ले लेते वो भी ले लेते, तो एक ही बारी 545 है यार, कहीं कुछ नहीं हो रहा, इतना भी वो नहीं, महंगा नहीं है। तो ये लेके आप इसको कर दो स्टार्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब आपको लेना कैसे है, कोरोनिल को आपने कैसे लेना है, 2 tablets ट्वाइस अ डे पोस्ट मील्स विद ल्यूकवॉर्म वाटर और एज पर और विद मिल्क, ठीक है। आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, एज पर अटेंडिंग फिजिशियन एडवाइस ऑब्वियसली। अगर तो आपको सिम्टम्स हैं तो आप 2 tablets लेंगे इसकी, और स्वसारी में लिखा है 6 tablets, 2 to 6 tablets इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स। और अगर आपको लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, देन यू कैन गो फॉर इनका फुल जो बताया गया है। अदरवाइज अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और आप बचना चाहते हैं कोरोना से तो 1 tablet इज सफिशेंट, एक मॉर्निंग में ले लो, एक इवनिंग में ले लो कोरोनिल की और एक इसकी ले लो, और रात को अगर आपको प्रॉब्लम होती है नाक बंद होता है या कुछ है तो फिर आप ये अनुतेल जो है ये यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसकी बता दिया आपको प्रोज, अब मैं चलती हूँ कॉन्स की तरफ। यार देखो इसमें सब में इतनी गर्म चीज़ें डाली गई हैं, ऑब्वियसली कोरोना के लिए कोविड के लिए हर कोई काढ़े ही बता रहा है, और काढ़ा ठंडा नहीं होता, काढ़ा गर्म ही होता है, गर्म तासीर की चीज़ें ही अंदर जाके कोरोना के वायरस को ख़त्म करती हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मी, मैं गर्म तासीर की हूँ, मेरा बेटा यस गर्म तासीर का है, हमने ये लेना शुरू किया, हमने देखा हमारी भूख ही बंद हो गई, हमें गर्मी हो गई, तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि इसके साथ साथ हम कुछ ठंडी तासीर की चीज़ें लेते रहें सो दैट टू बैलेंस आउट द थिंग्स, यू नो।
अगर आप इसके साथ ठंडी तासीर की चीज़ें, आपको पता ही होगा, आप सर्च कर लो, खूब मिल जाएंगी। लेकिन मेन मेन मैं बता दूं, गुलकंद ले सकते हो, गुलकंद गुलाब का एंड शुगर का मिक्सचर होता है, वो ले सकते हो, बहुत ठंडा है। सत्तू ले सकते हो, ये सत्तू बहुत ठंडी तासीर का होता है, क्योंकि हमने अपनी गर्मी सत्तू पी पी के निकाली फिर, ठीक है। सत्तू ले सकते हो ठंडी तासीर का, आंवला जूस ले सकते हो ठंडी तासीर का। और आप मुझे बताओ और क्या क्या ठंडी तासीर की चीज़ें होती हैं, गो एंड सर्च एंड स्टार्ट टेकिंग ठंडी तासीर की चीज़ें अलॉन्ग विद दिस कोरोना की जो भी मेडिसिन हैं। तो बस इसका ये कौन, बस यही है, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट यही है कि आपको गर्मी हो सकती है, बिकॉज इसमें इतनी गर्म गर्म चीज़ें हैं और इतना वेदर गर्म चल रहा है एक तो, और ऊपर से हम सौंठ है, मुलेठी है, दालचीनी है, ओ गॉड, सब इतना गर्म है, अश्वगंधा है, सब गर्म है। लेकिन वी हैव नो ऑप्शन, हमें लेना पड़ेगा अगर हमें इस कोरोना से आज़ादी चाहिए, बचना है, अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है, तो वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, हमें गर्म चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए आप गर्म चीज़ें लो, लेकिन बैलेंस करो विद ठंडी चीज़ें, ठंडी तासीर की चीज़ें, लस्सी ले लो, कुछ ले लो, आप खुद समझदार हैं कि आपको कैसे बैलेंस आउट करना है। बस यही इसका मैंने आपको बड़ा बताना था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने खुद पहले यूज़ किया। मैं क्यों लेट हो गई हूँ इसका रिव्यू देने में, बिकॉज यू नो मी, पहले मैं यूज़ करती हूँ, देखती हूँ क्या फ़ायदा हो गया, क्या नुकसान हो गया, देन आई रिव्यू। तो बुखार जो होता था ना, हमें नॉर्मल बुखार भी हो जाता है, मॉनसून है यार, हो जाता है, वेदर चेंज है, हो जाता है बुखार, बट आजकल तो दिमाग में बस कोरोना ही कोरोना की, वही है बस। तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट कर दिया। तो गारंटी, पता नहीं अब ये मेरा साइकोलॉजिकल था या मुझे वहम था कि बुखार ही ठीक हो गया, मुझे लगा कि बस अब मैंने ये ले लिया ठीक हो जाना है, और सच में ही ठीक हो गया। तो बुखार खैर एक दिन हुआ था, ये ली तो अगले दिन था ही नहीं, वो तो आई थिंक ऐसे टेम्परेरी सा कोई बुखार था, तो बुखार से ठीक हो गया। और दूसरा यस, गर्मी हो गई, जो मैं कॉन्स की बात कर रही हूँ, गर्मी होगी तो उसका आपको खुद ही ध्यान रखना है, ठीक है, बैलेंस करनी है चीज़ें। तो यस, ये मेरा आज का रिव्यू था इसके ऊपर। गो एंड जस्ट ग्रैब योर किट यार, इससे पहले कि स्टॉक आउट हो जाए, क्योंकि मुझे मुश्किल से मिली है, जितनी बार गई हूँ स्टॉक आउट स्टॉक आउट स्टॉक आउट, मैंने कहा यार कब आएगा मेरी किस्मत में कोरोना किट। तो फाइनली अभी मुझे हो गए आई गेस 15 days, यू कैन से 15 days से कम ही हुए होंगे, चलो जितने भी, तो तब से मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया इसको, तो मुझे बड़ा अच्छा इसका लगा, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं इसमें। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ पतंजलि जिन्होंने पहली ये मेडिसिन निकाली। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स गोइंग टू क्योर कोविड, मैं नहीं कहती बाबा, पहले एक वीडियो बनाई थी गिलोय के ऊपर, मेरी यूट्यूब ने वो इन अप्रोप्रिएट कह के, मतलब मेरी वीडियो ही डिलीट कर दी थी ये कह के कि नहीं इन अप्रोप्रिएट है, बिकॉज उसमें मैंने गिलोय की 3 forms बताई थी, और वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और कोरोना से कैसे हेल्प करता है। तो इसलिए मैं डर गई हूँ, मैं कोरोना की कोई क्योर नहीं बता रही हूँ, बट हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर यू मस्ट हैव दिस। तो आपको ये कैसा लगा मेरा रिव्यू, अगर ज़रा सा भी लग गया अच्छा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लाने वाली हूँ, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लव इट, आई एम टेलिंग यू। So with this, bye-bye, take care, have your corona kit, start your corona medicines as soon as possible. Bye, see you.